करोड़ों रुपयों की सौगात जो है वो पेयजल के लिए मुझे मिली है, लोगों को पीने का पानी मिला है, नहर के द्वारा जोड़ा गया है, फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि संतोखपुरा और मकड़ानी गांव जो है इनका एस्टीमेट जो है वो बनकर तैयार हो चुका है, इनका पैसा जो है वो मंजूर किया जाए, और चिड़िया और नौसवा गांव जो है इनके नए जलघर हैं पर पाइपलाइन से जुड़े हुए नहीं है, तो इनके जो जलघर हैं वो पाइपलाइन से जोड़े जाएं। तीसरा, बाड़ड़ा में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर धन्यवाद करूंगी कि मैं इनसे मिलके मैंने शेड की मांग की थी, तो बाड़ड़ा में मुझे अनाज मंडी में शेड भी मिला है और धर्मकांटा भी मिला है, उस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर अध्यक्ष जी, मेरे वहां पर फसल को स्टोर करने के लिए कोई भी गोदाम नहीं है, तो बाड़ा गांव के लोग जो है वो पंचायत की जमीन किसी भी गांव में अगर सरकार मांगेगी तो जमीन देने के लिए तैयार है, हमें एक गोदाम की जो है वो मंजूरी दिलाई जाए। तीसरा, मैं ये कहूंगी कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मेरी बात जो मैंने सौर ऊर्जा का 12 कनेक्शन का मुद्दा उठाया था वो मुझे पूरे दक्षिणी हरियाणा में देने का जो काम किया है, तो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ। पर उनमें से 2019 के कम 40 लोग ऐसे हैं जिनको आज भी कनेक्शंस जो है वो दिया नहीं जा रहा, अधिकारियों से बात बात बार हो रही है फिर भी वो डिले कर रहे हैं, तो मैं इनसे कहूंगी कि जब इतना कुछ हो गया तो 39 लोगों को भी कनेक्शन दिए जाए। और अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहूंगी कि सेंटर गवर्नमेंट की एक स्कीम है अमृत फार्मेसी, वो जो दादरी में ये स्टोर नहीं है तो ये बहुत छोटी चीज है, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहूंगी कि हमें अमृत फार्मेसी स्टोर जो है वो दादरी जिले में दिया जाए। और मेरे आगे ही बैठे हैं हमारे परिवहन मंत्री, तो अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहूंगी कि दादरी जिले में 148 ड्राइवर और 81 कंडक्टर जो है वो ट्रांसफर होके दूसरी जगहों में भेज दिए गए हैं, तो यहाँ बहुत ज्यादा बच्चों को परिवहन जो है वो बहुत बड़ी समस्या है, लड़कियां आए दिन खड़ी रहती हैं, बसों की व्यवस्था जो है वो नहीं है, तो मैं आपके माध्यम से परिवहन मंत्री जी से कहूंगी कि हमें जो है वो कंडक्टर और ड्राइवर देने का काम करें। और अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से एजुकेशन शिक्षा मंत्री जी से कहूंगी कि आपने हमारे बहुत सारे धन्यवाद करूंगी आपका कि बहुत सारे स्कूल जो है उनका नवीनीकरण हुआ है, फिर भी मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से कहूंगी कि चिड़िया, काकड़ोली सरदारा, डाडमा और अभी मैं समसपुर गांव जाके आई थी, दादरी का ही है, तो वहां की जो कादमा धनासरी इनकी स्कूल्स की बिल्डिंग जो है वो कंडम घोषित करके तोड़ दी गई है, और अध्यक्ष जी मैं धनासरी में गई थी तो यहाँ कम से कम 450 बच्चे जो है वो स्कूल में है, और दिसंबर का महीना है, जो ग्रांट जारी होनी है आपके माध्यम से मैं कहूंगी कि वो ग्रांट जो है वो इन स्कूलों की जारी कर दीजिए क्योंकि बच्चे सर्दी में भी बाहर बैठे हैं, और स्टाफ की जो है वो बहुत भयंकर कमी है अध्यक्ष जी, सिर्फ दो है, डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो 68 गांवों में दी है, मैं थोड़ा सा धन्यवाद करूंगी आपका कि 6 गांवों में जिम का सामान, 11 गांवों में महिला सांस्कृतिक केंद्र और 68 गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो सरकार ने देने का काम किया, इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर इनमें सामान पहुंचाने का काम आपके माध्यम से मैं मांग करती हूं। और एक स्पीकर सर, बाड़ड़ा और हंसावास जो है वो आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में लाना चाहती हूं कि यहाँ की जो पंचायतें हैं वो दोबारा बना दी गई, तो यहाँ चुनाव करवाने का काम सरकार